बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने बताना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हैं। ये बहुत इजी है। जब भी न्यूमरेटर जो है ये छोटा हो, स्मॉल हो, स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से, वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/5, 3 न्यूमरेटर है, ये छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/7, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, 2/7 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/3, 1 न्यूमरेटर है, ये छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा कि जब न्यूमरेटर या तो बराबर हो डिनोमिनेटर के, या न्यूमरेटर जो है ना ये बिगर हो डिनोमिनेटर से, तो वो क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 4/4, 5/5, 8/8, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है, इक्वल है, इसमें भी ये इक्वल है, तो ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या फिर हम करें 5/2, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, 8/3, 9/4, 7/2, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो इसमें न्यूमरेटर या तो बराबर हो डिनोमिनेटर के, या न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो वो कौन सा आता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 2 जो है, इसका जो पहला पार्ट है, ठीक है, ये सारा है राइट प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। ठीक है, कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ना वो लिख बताएं कौन कौन से, उनके आगे लिखें। जैसे 3/4 है पहले वाला, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/5, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ये होगा इम्प्रॉपर। ठीक है, इसी तरह 7/7, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों बराबर हैं, तो ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, 4/3 में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो बाकी आपने जो है वो खुद ही करने हैं।